तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे चैनल की पहली वीडियो है आर्ट चैनल की, और इसमें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि बिगनर्स कौन कौन से आर्ट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनके लिए सबसे सस्ते भी टूल्स है वो, सबसे आसान मतलब सबसे सस्ते टूल्स है वो। तो मैं आज आपको बताऊँगा कितने टूल्स होते हैं, और ये अब तक मतलब बिगनर्स तो थोड़े प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं, अभी इस समय प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं यार ये वाले टूल्स। तो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन से टूल्स हैं, लेट्स बिगिन। तो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ आर्ट लाइन की पेंसिल्स, स्केच पेंसिल्स जो होती हैं, तो इसमें सबसे अच्छी पेंसिल मुझे लगती है, दो पेंसिल सबसे अच्छी लगती हैं, ये 2B जो क्या कहते हैं स्केचिंग में सबसे अच्छी होती है, मतलब हम अच्छी तरीके से शेडिंग कर सकते हैं, और ये 6B, इन दोनों से हम सबसे अच्छी शेडिंग कर सकते हैं, सबसे अच्छी वो आती है अच्छी वाली लाइटनेस और डार्कनेस होती है। और 8B मैं ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, बट पेंसिल बहुत छोटी होगी क्योंकि इसकी लीड बहुत मोटी होती है, और उसमें जो वुडन पार्ट होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से जो है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाती है। और ये 10B मैंने अभी ली है, एक दो दिन पहले तो मैंने यूज़ नहीं की इतनी, तो ये उतनी है। तो अब मेरे पास है ये कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ये मुश्किल से 12 या 13 रुपए की मिलती है, और सबसे अच्छा मतलब ये सबसे सही काम करती है, ये नॉर्मल वाली है, सॉफ्ट वाली नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि ये भी सही होती है, सॉफ्ट वाली इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो मेरे पास ये 2 मैकेनिकल पेंसिल हैं जो सबसे ज़्यादा बिगनर्स यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सब सस्ती है। और एक तो है ये कैमलिन की 0.5 वाली, जिसमें HB की लीड डाली रहती है, और ये सबसे अच्छी पेंसिल है, ये ज़्यादा उन्हें 20 रुपए की मिल जाती है बहुत, और सबसे अच्छा काम करती है। और यह है दूसरी मेरे पास, ये है क्लासमेट की, और ये है 0.7 की लीड, मतलब हो गया ये 4B की लीड है इसमें। तो ये वाली इसके साथ इरेज़र आती है, इरेज़र को खोलोगे तो इसके अंदर लीड निकलती हैं, बट मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा यार ये वीडियो में भी। तो चलते हैं आगे वाली में, देखते हैं क्या है आगे। तो ये मेरे पास एक ब्रश है जो फ्लैट ब्रश है, इससे अच्छे खासे ब्लेंड हो जाता है, अगर कोई हम ब्लेंड करना चाहे तो ब्लेंड हो जाती है चीज़। तो ये सबसे अच्छा ब्रश लगा मुझे, बहुत यूज़फुल ब्रश है ये। आई होप सो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, अगर आपकी यूज़फुल आई ये वाली वीडियो तो एक लाइक करिए, अगर आपकी यूज़फुल नहीं आई तो डिसलाइक करिए, आपकी मर्ज़ी, जो आपका मन चाहे वो करिए, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।